हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों, एक अपडेट लेटेस्ट निकल कर आ रही है। ये जो है आपको भी बहुत देखने को मिला होगा, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। इसमें देखिए ये लिखा गया है कि जो बीपीएससी टीआरई का 1-5 का रिजल्ट आया उस पर स्टे लगाने की मांग की जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इन व्यू ऑफ दी एफोर्सेड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दिस ऑनरेबल कोर्ट मे ग्रेसियसली बी प्लीज्ड टू, ये यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए, देख लेते हैं क्या लिखा गया है। स्टे द रिजल्ट्स डेटेड 18/10/2023 डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर्स 1, 2, 3 फॉर रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन डेटेड 24/8/2023 एंड 25/8/2023 टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। क्या लिखा गया है कि जो रिजल्ट आया है 18/10/2023 को डिक्लेयर किया गया है और जिसका एग्जाम 24/8/2023 और 25/8/2023 को हुआ था प्राइमरी के लिए, जो कि बिहार का ही है, उसमें को स्टे लगाने की बात किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा गया, पास सच अदर ऑर्डर एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम अप्रोप्रिएट इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस द पेटिशनर आर इन ड्यूटी बाउंड एंड सेल एवर प्रे। यहाँ पे अब किसने इसको पिटीशन को फाइल किया है ये यहाँ पे नहीं बताया गया है, बट किसकी तरफ से फाइल किया गया कुछ भी जानकारी नहीं। बट हाँ, ये पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई है और मांग ये करी गई है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसको होल लगा दिया, उस पर स्टे लगा दिया जाए। बट ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर्सनल ओपिनियन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है स्टे वगैरह लग सकता है, क्योंकि रिजल्ट आ चुकी है, सब चीज़ यहाँ पे काम शुरू हो चुका है आगे। तो यहाँ पे उसको रोकने की मतलब आई डोंट थिंक सो कि रुकेगा, वो नहीं रुक पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये डिसीजन आएगा कि नहीं, वो नहीं रोक सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अतुल प्रसाद सर इतना आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, तो बहुत जल्दी रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात है, तो इतने घबराने की बात नहीं है। उसको देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, मतलब ऐसा वायरल आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिला है तो कुछ देर में आपके पास आ जाएगा, फिर मैं ही आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इससे घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, स्टे वगैरह नहीं लग सकता है। सो ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।